जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ और छत्तीसगढ़ के चुनाव में मतदाताओं ने जो रुचि दिखाई, पहले चरण में 76%, दूसरे चरण में 72% से ऊपर मतदान करके देश के लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और सुशासन के मुद्दों को हाथों हाथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों के द्वारा देश हित में, जनहित में जो कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हाथों हाथ लेते हुए जिस भारी पैमाने पर मतदान किया गया है, मैं इसके लिए उन सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं और आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। लोकतंत्र में हम सबको एक अधिकार है और ये मताधिकार के सदुपयोग के लिए हम सबको लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा से अपना निर्णय जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर, किसी भी संकीर्णता के दायरे में कैद न होकर के विकास और सुशासन के मुद्दे पर अपना सहयोग और समर्थन देना चाहिए। मित्रों, आप सबकी पहचान जिन कारणों से है, उन कारणों को समझने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार 4थी बार सरकार बनाने के लिए आपके पास आपके आशीर्वाद लेने के लिए आई है। ये 4थी बार भारतीय जनता पार्टी का आपके पास आना, यह केवल एक सामान्य घटना नहीं है। मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए, मध्य प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को पहुंचाने, समाज के हर तबके के हितों के लिए जो कार्य विगत 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो कार्य मध्य प्रदेश में हुए विगत 4.5 वर्षों में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास के और लोक कल्याणकारी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 4थी बार भी मौका मिलना ही चाहिए। याद करिए, आज से 15 वर्ष पहले जो नौजवान 25 साल 30 साल के होंगे, 35 साल 40 साल से ऊपर के होंगे, उनको याद होगा 15 साल पहले मध्य प्रदेश की छवि क्या थी। 15 वर्ष पहले मध्य प्रदेश में न सड़कें ठीक थी, न बिजली आती थी, पानी की किल्लत थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, नक्सलवाद दस्तक दे रहा था, डकैतों के गिरोह जगह जगह अपनी अराजकता के माध्यम से आम नागरिकों का जीना हराम कर चुके थे। मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य कहलाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
15 वर्ष के इस कार्यकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके समृद्ध राज्यों की ओर अग्रसर किया। यहां पर किसानों की उपज को खरीदने और उन्हें बेहतर बोनस देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। गरीबों को खाद्यान्न देने का कार्य मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की सरकार ने किया। यहां पर सड़कों का एक जाल फैलाया, जिस मध्य प्रदेश में बिजली नहीं मिलती थी उस मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने और मध्य प्रदेश को भी पावर सरप्लस राज्य के रूप में स्थापित करने का कार्य अगर किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कोई सोच सकता था कांग्रेस ने इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, लेकिन कांग्रेस के शासन में अराजकता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, दंगे, गुंडागिरी, ये कांग्रेस की पहचान थी। पूरे देश के अंदर अगर आज आप आतंकवाद की जो स्थिति है इसको देखते हैं, इसकी जड़ में कांग्रेस, नक्सलवाद की जड़ में कांग्रेस, अलगाववाद और अराजकता की जड़ में कांग्रेस और भ्रष्टाचार की जड़ में भी कांग्रेस। ये भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की नस नस में है, एक दूसरे में चोली दामन का संबंध भ्रष्टाचार और कांग्रेस का हो गया है। इसी भ्रष्टाचार को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि 100 रुपया भेजते हैं लेकिन जमीन पर केवल 10 रुपया पहुंचता है, ये 90 रुपया कहां जाता था। कांग्रेस के दलाल गरीबों के इन 90 रुपये को हजम कर जाते थे और इसलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, अगर 100 रुपया भेजेंगे तो 100 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाएगा, किसान के खाते में जाएगा, नौजवान के खाते में जाएगा, इस पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, हमने जोड़ने का, सुशासन का एक नया कार्य किया। आप याद करिए, कांग्रेस के समय में यहां पर कितनी व्यापक अराजकता थी, कांग्रेस किस प्रकार से शोषण करती थी, कैसे अव्यवस्था फैलाती थी, रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, महिलाओं का सम्मान नहीं हो पाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में जो बेहतरीन कार्य मध्य प्रदेश में किए हैं, मध्य प्रदेश के लिए गौरवशाली क्षणों को अपनाने और इससे प्रेरित होकर के पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मौका देने की आवश्यकता है और इस दिशा से आज अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं करती, शासन की कल्याणकारी योजनाएं इस देश के हर नागरिक को पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। हमने न जाति के आधार पर, हमने क्षेत्र और भाषा के आधार पर, हमने न वाद के आधार पर, न मत के आधार पर, न मजहब के आधार पर कभी किसी को बांटने का कार्य नहीं किया, हमने तो सबको जोड़ने का कार्य किया। हमारा तो मानना है इस देश के सभी संसाधनों पर, इस देश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक गरीब, प्रत्येक किसान, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक महिला का अधिकार है और उन्हें यह हक मिलना ही चाहिए, उन्हें यह अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। और उस अधिकार को देने के क्रम में ही आज पूरे देश के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि 2022 तक हर परिवार को हम सिर ढकने के लिए पक्का आवास देंगे।
प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है इस देश के अंदर हर परिवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक एक शौचालय उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय केवल स्वास्थ्य का मानक नहीं बल्कि यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है, मातृशक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। हर गरीब परिवार के घर में रसोई गैस का चूल्हा जल जाए, उज्ज्वला योजना में अकेले मध्य प्रदेश में 52 लाख परिवारों को रसोई गैस के चूल्हे उपलब्ध कराए गए, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हो सके, यह कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया। जब कांग्रेस आपको सड़क नहीं दे सकती, कांग्रेस आपको बिजली नहीं दे सकती, कांग्रेस रोजगार नहीं दे सकती, कांग्रेस किसानों का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस गरीबों का खाद्यान्न नहीं दे सकती, कांग्रेस अगर महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे सकती और गरीब परिवारों को विद्युत का कनेक्शन नहीं दे सकती तो फिर कांग्रेस को वोट भी क्यों देना है। हमारे लिए यह गरीब, यह किसान, यह नौजवान, ये महिलाएं, इनके हितों का संरक्षण करना, इन तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना और शासन की योजनाओं से इन्हें आच्छादित करना, शत प्रतिशत आच्छादित करना, हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन चले, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिले और हर गरीब परिवार के घर में रसोई गैस का चूल्हा जले, हर गरीब के पास स्वच्छता के मानक का अपना प्रतीक एक शौचालय हो, हर गरीब के घर में एक व्यक्ति के पास रोजगार हो, ये हमारे लिए राम राज्य की स्थापना का एक मानक है। हमारा राम राज्य केवल एक धार्मिक राज्य नहीं है, एक ऐसा राज्य है जहां बिना भेदभाव शासन की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इस देश की व्यवस्था राम और रोटी एक साथ मिलकर के पूरी करेगी और उस व्यवस्था के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं। जब सारा कार्य भाजपा कर रही है, सम्मान का कार्य भाजपा कर रही है, आपके हितों को संरक्षित करने का कार्य भाजपा कर रही है, हर प्रकार की सुरक्षा भाजपा दे रही है, तो मित्रों आपके वोट पर अधिकार भी भाजपा का ही होना चाहिए। और इसलिए हम लोगों को कोई संकोच नहीं होता, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा, जो भारत के पौराणिक और वैदिक प्रतीक हैं, उनके प्रति सम्मान, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना उस श्रृंखला का एक हिस्सा है। जब भी आवश्यकता पड़ती है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में, जनहित में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के निर्णय लेती है। जो जनहित में होगा, राष्ट्रहित में होगा, उसे करने में हमें कोई संकोच नहीं। हम भयभीत नहीं होते कांग्रेस की तरह कि अगर हम ये निर्णय ले लेंगे तो फलाना वोट खिसक जाएगा, ये संकोच हमें नहीं। अगर भारत का प्रतीक और भारत के सम्मान का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है तो कोई कारण नहीं उस जनपद और उस कमिश्नरी का नाम अयोध्या ही होना चाहिए, कोई दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। अगर हमारी आस्था का प्रतीक और हमारी पहचान, पौराणिक पहचान प्रयागराज से है तो कोई कारण नहीं कि उस जनपद और उस कमिश्नरी का नाम प्रयागराज होना चाहिए, हमने किया है। और जब भी आवश्यकता पड़ेगी, जिससे भी भारत का और इस देश का सम्मान बढ़ता हो, हमारे महापुरुषों का सम्मान बढ़ता हो, उनकी प्रेरणा से यह समाज प्रकाशित हो सकता हो,
उसको करने में भारतीय जनता पार्टी को कोई संकोच नहीं होगा। और इसलिए मित्रों, अपनी इस परंपरा के प्रति संपूर्ण आस्था को व्यक्त करते हुए विकास सुशासन के साथ साथ राष्ट्रवाद की अलग गांव गांव और घर घर तक जगाने के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए कि 28 नवंबर को चुनाव होने हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप हैं, ये हजारों की संख्या में आपका ये उत्साह, प्रत्येक यहां का मतदाता आज से लेकर के कुल एक सप्ताह का भी समय नहीं है और एक संकल्प ले लें कि इस एक सप्ताह में कुल 6 दिन आपके पास कार्य करने के लिए मिलेंगे। इन 6 दिनों में प्रत्येक आप में से हर मतदाता, हर एक कार्यकर्ता एक एक दो दो परिवार पकड़ लें। एक परिवार का मतलब 5 मतदाता, दो परिवार का मतलब 10 मतदाता, और उन मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह, देश की समृद्धि का प्रतीक कमल के निशान पर उन्हें वोट पोल करा दें तो मुझे लगता है कि बजरंग बली का संकल्प सार्थक होगा। जो बजरंग बली ने कहा था कि राम काज कीने बिनो मोहि कहां विश्राम, और मुझे लगता है ये संकल्प हर कार्यकर्ता का, मध्य प्रदेश के हर नागरिक का होना चाहिए। इस संकल्प के लिए श्री रघुनाथ मालवी को कमल चुनाव चिन्ह पर 28 नवंबर को भारी मतों से आष्टा विधानसभा सीट पर चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।